देखो 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 देखो। लोगों के लिए तो सहूलियत के अनुसार राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सच भी बदल गया। अच्छा, कि आप लोगों के लिए शराब घोटाला एक वक्त पर सबसे बड़ा सच था दिल्ली का, अब आप लोग उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं क्योंकि अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली है आम आदमी पार्टी के साथ, क्या ये सही नहीं है? नहीं। आपकी बवक्ता मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके ओपनिंग स्टोरी में और यहाँ पे कुछ वक्तव्यों में कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मोदी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है, मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है। जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का मात्र घोटाला था, बीजेपी में शामिल, दाग धब्बे से धुल गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, उनके खिलाफ तो केस ही बंद कर दिया गया एयर इंडिया सीबीआई का। अजीत पवार सिंचाई का 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। समझ रहे हो? अशोक चव्हाण ने तथाकथित तौर पर आदर्श घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। हेमंत बिस्व शर्मा ने तथाकथित तौर पर शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। छगन भुजबल ने लैंड घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। नारायण राणे ने भूमि अधिग्रहण घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। मुंशिफ हसन ने शुगर फैक्ट्री का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। भावना गवाली ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, बीजेपी में शामिल। प्रताप सार नाइक ने पीएमएलए का एनसीएनएसएल का केस चला था, बीजेपी में शामिल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वॉशिंग मशीन में गोता लगाइए, मैं दाग धब्बे से आपके सारे दाग धब्बे धो दूंगा, बीजेपी का पटका पहना दूंगा और कमल का मोहर लगा दूंगा, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। और मैं अगर गलत बोल रही हूं तो इनमें से किसी भी एक नाम पर उठाकर विवाद कर लीजिए। असलियत ये है कि 10 साल बाद भी मोदी जी की स्पीच ऐसी लगती है मान लो 2014 में बोल रहे हो, झुंझुना बजा रहे हैं 10 साल से, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एक्शन क्या है? सारे भ्रष्टाचारियों को तथाकथित जिनको कहते थे उनको बीजेपी में भर लो। लवड़े न भोज। गजब बेइज्जती है। तो प्रधानमंत्री पहले अपनी मंशा साफ करें कि भ्रष्टाचारी कोई तभी तक है जब तक विपक्ष में है, या भ्रष्टाचारी कोई तब है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अन्यथा उनकी बातें लोग समझने लगे, दूध का दूध और पानी का पानी, थोथा चना बाजे घना होने लगा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। यही तो आप भी कर रही हैं, जो अब आपके साथ आ गया वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। कांग्रेस पार्टी तो पीठ थपथपा रही थी शराब घोटाले पे कि हमने निकाला, उसका जवाब ही नहीं मिला। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं उसका जवाब दे देती हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया था, उसका जवाब मिलेगा आपको। जवाब सवालों से ना भागती नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे, 8 विधायक थे असेंबली में, तमाम काउंसलर थे। कोरोना काल के दौरान जब अनियमितताएं सामने आई तो शिकायतकर्ता कांग्रेस बनी, भाजपा नहीं बनी। मैं अंजना जी आपकी आंख में आंख डाल के एक बात कहती हूँ, अगर कानून संगत कार्रवाई हुई होती तो आज ईडी मुंह में दही जमाए ना खड़ा रहता, ईडी को कोर्ट को यह ना कहना पड़ता कि नो एडजर्नमेंट, 2 बजे हम मिलेंगे और 2 बजे आपको अपना डिसीजन बताना पड़ेगा। ईडी को अपोज करने की हैसियत होती। ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी न्याय संगत, ईडी ने कार्रवाई करी, जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में डाल दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? न्याय संगत कार्रवाई करते तो शायद आज इस घोटाले की तह तक जाते। कार्रवाई हुई है पूरे विशुद्ध राजनीतिक तौर पर, इसलिए आज ईडी हाथ बांधे, सिर झुकाए, मुंह में दही डाले खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। एक ईडी जो कि प्रीमियर एजेंसी इंडिया की कही जाती थी, भाजपा का फ्रंटल बनने के बाद उसकी क्या हैसियत और क्या हिसाब रह गया। अच्छा बात नहीं है।